एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं आरसी सर्किट ट्रांजिएंट एनालिसिस। अब तक हम आरएल सर्किट किया था हमने, अब आरसी पे बात करेंगे। देखो, आरसी को करने के लिए क्या स्टेप होते हैं, सेम स्टेप रहेंगे। इस बार इसका पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूला का। ये सर्किट दे रखा है, इससे पहले मैं क्या कराता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ फॉर्मूला का। तो ये हमारा सर्किट दे रखा होगा इस तरह से। जो सर्किट है उसमें एक कैपेसिटर लगा होगा सी, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी होगी, उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। देखो पॉजिटिव, ध्यान से देखो, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें वो करंट एंटर करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके अपोजिट है तो नेगेटिव लगा देंगे, वो तो डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल इस तरह से ये सर्किट में लगा होगा, ठीक है। तो क्या करना, टी कस टू जीरो माइनस पे क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। टी कस टू जीरो माइनस पे देखो मैंने ओपन किया है यहाँ पे। तो ओपन करने के बाद उसके अक्रॉस केवल वोल्टेज निकालते हैं, करंट नहीं निकालते हैं, केवल वोल्टेज निकालते हैं। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस वही निकालना है उस टाइम पे। जीरो माइनस पे क्या करेंगे, कैपेसिटर को हटाएंगे, उसे ओपन सर्किट करेंगे, वहां पे केवल वीसी जीरो माइनस कर देंगे। वही वीसी जीरो माइनस ही वीसी जीरो प्लस के इक्वल होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब यही मतलब होता है कि कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज को अलाइन नहीं करता वोल्टेज के। टी कस टू जीरो प्लस पे क्या करेंगे, जो यहाँ से जीरो माइनस वाला वोल्टेज आया था उसको पहले कैपेसिटर को तो हटाएंगे, कैपेसिटर करेंगे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। ये यहाँ पे इसने कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसके सीरीज में क्या करेंगे, जो वोल्टेज हमने जीरो माइनस पे निकाला वही क्या करेंगे, उसके सीरीज में वहां पर रख देंगे सेम पोलरिटी के साथ। देखो प्लस माइनस यहाँ पे, और वहां पे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आईसी जीरो प्लस भी निकालेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टी कस टू इनफाइनिट पे अगेन क्या कर देंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे, वहां पे जो वीसी इनफाइनाइट है वो निकालेंगे, यानी फाइनल वोल्टेज और करंट भी निकालेंगे, ठीक है। ये तीन स्टेप ध्यान रखने, वो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम कैपेसिटर के लिख रहे हैं, तो कैपेसिटर की फाइनल वैल्यू उस टाइम प्लस जीरो प्लस पे, जीरो प्लस पे यानी यहाँ से वीसी जीरो माइनस ही जीरो प्लस के इक्वल होगा, e की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ क्या, टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस का। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे करंट के लिए होता है फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, e की पावर माइनस टी बाय टाउ। इसका भी टाइम कॉन्स्टेंट सेम रहेगा। टाइम कॉन्स्टेंट कौन सा, जब जिस टाइम पे हमसे इक्वेशन पूछी गई है, स्विच मतलब टी इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर देन पे पूछता है, ठीक है। ज्यादातर अभी तक वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि इसमें के स्विच से पहले करने वाला या बंद करने वाला, ठीक है। तो एक एक फॉर्मूला और होता है आईसी का, जो सी डी वी सी बाई अपॉन डी टी। इसका मतलब अगर हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन हमने निकाल ली ये वाली, तो हम क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल के सी से मल्टीप्लाई करके भी हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया वी सी जीरो, वी सी जीरो प्लस होता है, ठीक है, क्यों, वोल्टेज का सडन चेंज अलाउ नहीं करता, करंट का नहीं है। कभी आईसी जीरो माइनस को आईसी जीरो प्लस के इक्वल कर दो, वो नहीं है, ठीक है। और क्यू कस्ट होता सी बी, ये बस यही फॉर्मूले काम आएंगे, इन्हीं को बस याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हमसे देखो वीसी जीरो प्लस पूछेगा, वीसी जीरो प्लस होता है वीसी जीरो माइनस के, तो टी कस्ट जीरो माइनस पर सर्किट बनाएंगे। टी कस्ट जीरो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टी कस्ट जीरो माइनस पर बनाना हमें सर्किट। तो यहाँ पे पहले ऐसा देखो, स्विच को टी कस टू जीरो पे इसको ओपन किया गया है। यहाँ पे डायरेक्शन देखो, टी कस टू जीरो पे से क्या क्या ओपन किया गया, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है तो ओपन किया गया, तो टी कस टू जीरो माइनस पे क्लोज रहा होगा, ठीक है। तो टी कस टू जीरो माइनस पे स्विच क्या रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एट टी कस टू जीरो माइनस पे कैपेसिटर तो हो जाता है ओपन सर्किट, ठीक है, और स्विच क्या रहने वाला, स्विच रहने वाला क्या, क्लोज रहने वाला, ठीक है। टी कस टू जीरो माइनस पर क्लोज रहा होगा ना, टी कस टू जीरो पर आके ही तो ओपन किया, तो बाकी का सर्किट जो बनेगा उसको बना देता हूँ मैं इसको ऊपर करके, ठीक है। ये आया यहाँ पे 6 वोल्ट, ठीक है, 2 किलो ओम का रेजिस्टर, ये तो रहेगा, सॉरी, और शॉर्ट रहेगा यहाँ पे, यानी स्विच क्लोज रहेगा। ये आ गया यहाँ पे 4K, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है। V
वीसी जीरो माइनस, ठीक है, कैपेसिटर को घटाया और वहां पे वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर पोलरिटी नहीं दी हुई है, इस टाइप की होगी, ठीक है। मैं पोलरिटी मार्क करने बोल गया हूँ, करंट की डायरेक्शन इस टाइप की, ठीक है, आई सी टी, और ये आ जाएगा वी सी टी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, वी सी इन्फाइनाइट निकालना है मुझे, तो वी सी इन्फाइन सॉरी वी सी जीरो माइनस निकालना, तो वी सी जीरो माइनस ये क्या होगा, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वी सी जीरो होगा। देखो यहाँ पे ये सेम ही तो वोल्टेज है इसके, ये वाला टर्मिनल यहाँ पर आ जाएंगे, ये नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी 4 किलो ओम के करो जितना वोल्टेज होगा वही क्या होगा, वी सी जीरो माइनस। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या एक तरह से आर सी मतलब रेजिस्टेंस का क्या है, ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, या तो फिर पहले करंट निकाल लो उसके एक्रॉस वोल्टेज निकाल लेना। करंट निकालोगे, अगर ये मान लो ये आई वन करंट है, आई वन क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन 2+6 यानी करंट आ जाएगी वन, वन की 4 से मल्टीप्लाई करके 4 वोल्ट आ जाएगा, या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल से। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस निकालना, 4 के अक्रॉस निकालना, यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे वो किलो में तो वहाँ पे किलो में, कुछ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दोनों का सम, दोनों का सम 2+4 कितना हो जाएगा, ऊपर 24, नीचे हो जाएगा 6। यहाँ पे अब देखो सेम ही आया 4 वोल्ट वी सी जी, हमें पता है वी सी जीरो माइनस जो होता है वह किसके इक्वल होता है, वी सी जीरो प्लस के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक सोल्व हो गया, ठीक है, जीरो माइनस बस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। तो जीरो प्लस पे हमें जरूरत है इसलिए बनानी पड़ेगा, अगर यहाँ पे आई सी जीरो प्लस नहीं पूछा होता तो हम क्या करते, नहीं बनाते, ठीक है। तो बस बनाते हैं टी कस टू जीरो प्लस पे, जब बनाएंगे हमें पता है ये जो वोल्टेज आया है उसको कैपेसिटर को तो वहां पे शॉर्ट करना, उसके साथ सीरीज में आ जाएगा ये, ठीक है। अब चलो यहाँ पर जीरो माइनस पे काम खत्म कर चुके हैं, अब जीरो प्लस पे बात करते हैं। तो जीरो प्लस क्या होगा, एट टी कस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे क्या करेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, लेकिन उसके साथ ये क्या आएगा, 4 वोल्ट जो आया जीरो माइनस पे वो भी आएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट तो होगा, उसके साथ सीरीज में क्या आएगा, 4 वोल्ट सेम पोलरिटी के साथ। स्विच क्या होगा, जीरो पे ओपन कर रही है तो जीरो प्लस पे तो ओपन ही हो चुका होगा, ठीक है, जब जीरो पे बंद ओपन कर दिया तो जीरो प्लस पे भी ओपन रहने वाला है, ठीक है, जीरो के बाद जब जितना टाइम आएगा सब पे ओपन ही रहेगा। तो इसका सर्किट बनाते हैं किस टाइप का, बचा ये आ गया यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 2 किलो ओम, और स्विच देखो कहाँ पे लगा हुआ था, 2 किलो ओम के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्विच को कर दिया हमने ओपन, फिर था यहाँ पे 4 किलो ओम, कैपेसिटर को करना मुझे शॉर्ट, चलो मैंने कर दिया शॉर्ट, शॉर्ट करने के साथ उसके साथ सीरीज में सेम पोलरिटी के साथ प्लस माइनस की पोलरिटी गिनती थी क्वेश्चन में, वोल्टेज ये बैटरी लगा देंगे जो आया, ठीक है, 4 वोल्ट, और जीरो प्लस में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, आप करंट भी निकालेंगे क्योंकि पूछ ही गई है, ठीक है। तो ये सब बचा है यहाँ पे, ठीक है, तो आई सी जीरो प्लस की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये 4 वोल्ट की बैटरी, अब तुम यहाँ ध्यान से देखो ये करंट इसमें किस टाइप की दे रखी है, इसने इस टाइप से फ्लो हो रही है, ठीक है, बिल्कुल पोलरिटी नहीं छोड़नी है, पोलरिटी ये छोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बस लगा दो केवीएल यहाँ पे, ये पहला प्लस टर्मिनल, प्लस 4 करंट की सम आएगी किलो ओम में, ये रेजिस्टेंस तो मिली एम्पियर में आ जाएगी, ठीक है, आई सी जीरो प्लस। तो यहाँ से अगर देखो तो कितनी आ गई, ये आई सी जीरो प्लस -1 मिली एम्पियर, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। तो जीरो प्लस पे काम हो चुका, यहाँ पर जीरो वी सी जीरो प्लस तो ऑलरेडी आ ही चुका था पहले ही, अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ करते हैं, चलो टी कस टू इनफाइनाइट पे, टी कस टू इनफाइनाइट तो और ज़्यादा आसान होता, एट टी कस टू इनफाइनाइट क्या करेंगे, कैपेसिटर तो होता है ओपन सर्किट, ठीक है, स्विच तो ओपन ही रहने वाला, जब जीरो प्लस पे ओपन हो गया तो ओपन ही रहेगा, ठीक है, बाकी का बस ड्रॉ कर देते हैं सर्किट को और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। 6 वोल्ट ये आ गया 2 के ओम, स्विच ओपन,
किलो ओम उसे कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, सॉरी ओपन सर्किट, ओपन कर, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से लिख दिया, सर्किट होता है ओपन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर करंट वोल्टेज निकालेंगे वी सी इनफाइनाइट, शॉर्ट तो सेकंड में क्या था ना, थर्ड वाले में ओपन करते हैं, कैसे है? इस याद रखना ओपन शॉर्ट ओपन, ठीक है, ओपन 0 माइनस पे, 0 प्लस पे शॉर्ट, और जीरो इनफाइनाइट पे अगेन ओपन, ठीक है। और इसमें करंट जो थी कितनी थी, आई सी इनफाइनाइट, ठीक है। अब तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आई सी इनफाइनाइट जो होगा कहीं से, यहाँ से ये ओपन है, करंट तो आ नहीं रही होगी, तो आई सी इनफाइनाइट डायरेक्ट ही कितना आ गया, 0 एम्पियर या मिली एम्पियर जो भी लिखो, ठीक है। वहाँ पे वो मिली एम्पियर में आई, तो इसको मिली एम्पियर में लिख लो, ठीक है, सेम यूनिट दिखाने के लिए। और वी सी इनफाइनाइट क्या होगा, यहाँ पे भी इस वी सी इनफाइनाइट क्या होगा, इस 4 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, इस 4 किलो ओम के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, 0 एम्पियर करंट जा रही होगी, तो वोल्टेज भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 प्लस पे बात अब मिल चुकी है चीजें, और इन्फाइनाइट पे आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर इक्वेशन तो तब निकालेंगे जब हमें टाइम कांस्टेंट मिलेगा, टाइम कांस्टेंट निकाल देते हैं, टाइम कांस्टेंट निकालना तो बहुत आसान है। तो टी हम इन्फाइनाइट पे बात कर रहे हैं, यानी टी कस्टू 0 पे, इन्फाइनाइट वाले सर्किट को ही देखेंगे केवल, तो जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था वहाँ से थेवेनिन इंपेडेंस देखते हैं। तो देखो बनाते हैं इसका सर्किट किस टाइप का दिखेगा, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमें पता जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो तो होता है शॉर्ट, करंट सोर्स है नहीं यहाँ पे, नहीं वो तो हो जाता ओपन, ये 2 के ओम, फोर के ओम, और मैं कहाँ से देख रहा हूँ इसको, जहाँ से मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से। तो मुझे क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ से ओपन है ये, तो इस वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे कितना दिखाई देगा, RTH बराबर 4 किलो ओम, क्यों काम नहीं है इसका भाई साहब, यहाँ पे अगर अगर तुम्हें चेक करना है इसका क्यों नहीं है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाओ उससे करंट फ्लो करा दो, जिस जिस में जा रही है वही बस उस कंसिडर होगा, ठीक है, जिस जिस में करंट फ्लो हो रही है बस उसी को कंसिडर करते हैं सर्किट में, ठीक है, सोर्स कहाँ लगाना है जहाँ पे कैपेसिटर था, ये चेक करने का तरीका, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो वैसे पता ही है कि ये अगर यहाँ से ओपन है तो ये सर्किट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो RTH कितना आ गया हमारा, 4 किलो ओम। इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम कॉन्स्टेंट का, RTH मल्टीप्लाई बाय C, या 4 किलो ओम, और शायद वो था कितना मैं भूल गया, एक बार देख लेते हैं, शायद 3 मिली कूलाम था, मिली फेरेड, सॉरी मिली कोलाम कैसे हो सकता है, मिली फेरेड, तीन मिली फेरेड, मिली से किलो कट जाएगा, ठीक है, तो यूनिट सेकंड में आएगी, 4 तिया 12 सेकंड्स, टाइम क्वेश्चन कितना आता सेकंड में, ठीक है, यूनिट का ख्याल रखना, सब कुछ आ चुका है, जो भी चीज निकालनी है अब निकाल दो। यहाँ पे VCT के क्या फॉर्मूला क्या था, VC इनफाइनाइट प्लस VC 0 प्लस माइनस VC इनफाइनाइट e की पावर माइनस t बाय टाउ, ठीक है, हमने ये करंट की इक्वेशन किसके लिए फाइंड की है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो यहां से हमारी बस वैल्यू रख दो इसमें, फाइनल वैल्यू कितनी आई है, फाइनल वैल्यू आई है 0, और इनिशियल कितनी थी, इनिशियल थी 4 वोल्ट, ठीक है, तो इनफाइनाइट वाली आई है 0, इनिशियल आई थी 4 e की पावर t अपॉन कितना 12, तो बस इसको सॉल्व कर दो यहाँ से, इस तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 e की पावर माइनस t बाय 12, ठीक है, इतने वोल्ट, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन, ठीक है। आगे करें करंट के लिए, ऐसे निकाल दो करंट की इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमारे पास दोनों,
और फिर मैं दिखाऊंगा कि आईसी का जो सी डीवीसी आईसी का जो सी डीवीसी अपॉन डीटी लगाते हैं उससे भी सेम इक्वेशन आती है। ठीक है, फिलहाल तो पहला फॉर्मूले देखते हैं, हमने मैथ की है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आईसी इनफाइनाइट यानी फाइनल करंट इनिशियल करंट माइनस आईसी इनफाइनाइट फाइनल करंट e की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, सेम तरह का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आई सी टी कितना आ गया, फाइनल करंट कितनी आई थी और इनिशियल करंट कितनी आई थी। फाइनल तो आई थी जीरो, मेरे हिसाब से जीरो आई थी, और इनिशियल आई थी जीरो प्लस पे देखो -1 एम्पियर। ठीक है, -1 आई, ये आई थी फाइनल जीरो, वो आई थी -1, -0 हो जाएगा ये e की पावर माइनस टी बाय 12। ठीक है, ये भी किसके लिए, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। और यहाँ से जब इसको सोल्व करा तो हमने कितना आ गया, माइनस ये -1 नहीं बचेगा तो -e की पावर टी बाय 12। ठीक है, इतने करंट किस्म आएगी, है सब मिली एम्पेयर में लिया हमने, जीरो भी मिली एम्पेयर में, -1 भी मिली एम्पेयर में, तो ये किस्म आएगी करंट, मिली एम्पेयर में। ठीक है, यूनिट का ख्याल रखना, ये आंसर है। अब देखो इस आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं वोल्टेज वाली करंट का डेरिवेटिव निकाल के। ठीक है, हमने जो एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने यहाँ पे, अगर फॉर्मूले वाले पता हो तो, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। देखो अगर कहीं पे डायरेक्ट पूछिए तो ऐसे नहीं है कि अलग से करंट की निकालनी है, वोल्टेज की निकाल के उसका डिफरेंशिएशन करके सी से मल्टीप्लाई कर दो कैपेसिटर के केस में। तो यहाँ पे कितना आता है, 4e की पावर -t/12। ठीक है, इसके वाले रख दो, देखो से आना सेम ही चाहिए। ये आता 3 mF। ठीक है, यूनिट ख्याल रखना, डी अपॉन डी टी, इसकी जगह कितना था, कितना था 4e की पावर -t/12। देखो सेम आंसर आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है दोनों तरीके से कर करके देखने हैं शुरू में जब प्रैक्टिस करनी है। तो ये मिली फेरेड में है तो वो मिली एम्पेयर में बन जाएगी। ठीक है, यूनिट को मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ, और 3 का ये 4 बाहर आ गया। ठीक है, ये 4 तो बाहर आ गया, e की पावर -t/12 का डिफ्रेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, -1/12। ठीक है, ये जब -t/12 का करा तो, और उसका आया था वो सेम ही रहेगा। ठीक है, 12 से 12 कट गया और माइनस का बचा। ठीक है, देखो यहाँ तो सेम आया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज करोगे कंसेप्ट जल्दी याद रख दिया होगा, बस यही बताना था मुझे। ठीक है, ऐसे नहीं कि तो मैं वोल्टेज निकाली तो करंट की अलग से निकालनी निकालनी है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन बस पॉलिटी का ध्यान रखना है, जैसी पॉलिटी मैंने बताई है फॉर्मूले में वही रखनी है, अगर उसके अपोजिट पॉलिटी है तो माइनस लग जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ निकाल चुके हैं, आईसीटी भी निकाल चुके हैं, आईबीसीटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यही सब निकालना रहता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये सिंपल प्रॉब्लम था पहला। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो कोई स्टेप छूट तो नहीं गया। ठीक है, काफ़ी आसान था, ज़्यादा कुछ करना है नहीं था इसमें। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।